हमारे बीच में जयभवन गोयल साहब है। गोयल साहब क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के पीछे? हमारे देश के रक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो खुशहाली धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आई है उससे प्रभावित होकर के आने वाले दिनों में पीओके पाक ऑक्युपाई कश्मीर के लोग भी हमारे साथ मिल जाएंगे, तो उनकी इस बात से हमारा फारूक अब्दुल्ला जो पाकिस्तान के एजेंट के रूप में हिंदुस्तान में काम कर रहा है, हमारे देश का गद्दार है, उसको बहुत बड़ी परेशानी होगी। वो खुल के बोल रहा है कि पाकिस्तानियों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो हमारे देश के लोगों को डराने का धमकाने का काम कर रहा है और साथ साथ हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की भावना से खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा फारूक अब्दुल्ला जिसने धारा 370 हटने के वक्त भी कहा था कि अगर धारा 370 हटाई गई एक भी तिरंगा पकड़ने वाला हाथ नहीं मिलेगा, मगर पिछले एक साल में 2 करोड़ लोगों ने पर्यटक के रूप में जम्मू कश्मीर में जाकर के वहां के विकास में अपना योगदान दिया है। आज वहां के लोग खुश हैं, जो लोग 500 रुपए पत्थर मारते थे आज उनके हाथ में लैपटॉप है, तो ये हमारी मोदी सरकार की गारंटी का कमाल है। मगर ये फारूक अब्दुल्ला ने जो ट्रीटमेंट दिया है वो बड़ा ही शर्मनाक है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है। इसलिए हम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन दे करके ये मांग करने जा रहे हैं कि ऐसे राष्ट्रद्रोही को घसीट घसीट कर पाकिस्तान भेजा जाए, जो इसको यहाँ हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार से भी इसे वंचित किया जाए। आज देश के 40 करोड़ जनता ऐसे गद्दारों को, राष्ट्र विरोधियों को अपने हिंदुस्तान में एक मिनट के लिए भी रखने के तैयार नहीं है। गोयल साहब एटम बम की धमकी देने वाला है, क्या कहेंगे, मजाक कर रहा है या? देखिए आज पूरी दुनिया मेरे भारत का लोहा मान रही है, आज पूरी दुनिया का डंका, पूरी भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पाकिस्तान की क्या औकात है? आज तो चाहे चाइना है, चाहे अमेरिका है, चाहे रशिया है, सब हमसे दोस्ती प्रेम भाईचारा चाहते हैं कि भारत 143 करोड़ लोगों का एक मजबूत राष्ट्र है, मजबूत देश है। तो ये जो कर रहा है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करने के लिए कर रहा है और हिंदुओं को डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आज अपना विरोध प्रदर्शन करके हमने इसकी बर्खास्तगी की, इसको तत्काल जूते मार मार के घसीट घसीट के पाकिस्तान भेजने की मांग की।